अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए मैथमेटिक्स के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर अनुपात एवं समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट टू लेकर आया हूँ। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर का पार्ट वन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले पार्ट वन में मैंने आपको इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए थे और साथ ही साथ मैंने आपको इस चैप्टर में टोटल 7 क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिए थे। तो आज की इस वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहां पे दिया क्या हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। यहां पे आपका क्वेश्चन लिखा है कि यदि x रेशियो y इज इक्वल टू 4:3 हो तो 5x प्लस 8y रेशियो 6x माइनस 7y का मान है। तो हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2016 में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया है x रेशियो y इज इक्वल टू 4:3। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा दिया है x रेशियो y इज इक्वल टू 4:3। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे माना कि x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 3। ये कैसे आया, तो यहाँ पे देखिए x रेशियो y इज इक्वल टू आपका 4:3 दिया है। तो मैं यहाँ पे x की जगह 4 और y की जगह 3 लिख सकता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 3 लिया। ठीक है, क्यों लिया अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 5x प्लस 8y रेशियो 6x माइनस 7y का मान है। तो यहाँ पे रेशियो लगा है, सबसे पहले हम इस रेशियो को हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5x प्लस 8y, ये आपका हो जाएगा और रेशियो हटेगा तो अपॉन में आपका ये आ जाएगा 6x माइनस 7y, ये आपका हो जाएगा। ये आपका अगला स्टेप है, नीचे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं 5x प्लस 8y और अपॉन में आपका हो गया 6x माइनस 7y, ये आपका हो गया। फिर मैंने ऊपर क्या लिखा था x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्यों लिखा था, क्योंकि इसी की वैल्यू हम यहाँ पे रखने वाले हैं। यहाँ पे 5x है, x की जगह 4 रख दूंगा, 8y है, y की जगह 3, फिर अपॉन में आपका 6x, x की जगह 4 और फिर उसके बाद माइनस 7y है तो y की जगह 3 रख दूंगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ था। ठीक है, तो चलिए अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 5x की जगह रखेंगे 4, तो 5 और इंटू 4 आपका हो गया प्लस 8y, तो 8 तो आपका ऐसे ही रहेगा और y की जगह हम रख देंगे 3 यहाँ पे, फिर अपॉन में 6x दिया है तो 6x की जगह 4 यानी इंटू 4 आपका हो गया। फिर उसके बाद माइनस, तो माइनस का साइन आपका यहाँ पे लगेगा ही, फिर उसके बाद 7, तो 7 ऐसे ही रहेगा और y की जगह 3, तो 7 इंटू 3 कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 4 आपका होता है 20 और 8 3 24 आपका होता है, अपॉन में 6 4 24 और फिर यहाँ पे माइनस का साइन आपका ऐसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है। फिर उसके बाद 7 इंटू 3 21 आपका होता है, ये हमने कर लिया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 20 प्लस 24 ऐड कीजिए, 44 आपको मिलेगा, फिर 24 में से 21 को लेस कर दीजिए तो आपको मिलेगा यहाँ पे 3, तो हमें मिला क्या 44 और अपॉन में आपको 3 मिला। इसको रेशियो में लिखेंगे तो 44:3 और यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे आंसर क्या मिला 44:3। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 44:3 आपका दिया कहाँ है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन डी में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर एक बार प्रैक्टिस किए रहेंगे तो बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी आपके एंट्रेंस एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पहले ही बता देता हूँ ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए और हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे ट्रिकी मेथड से सॉल्व करेंगे, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। बेसिक मेथड से हम इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे, अगर बेसिक मेथड से करेंगे तो आपका टाइम
वेस्ट होगा और साथ ही साथ आपका आंसर भी यहाँ पे गलत हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा क्या है, क्वेश्चन आपका लिखा है कि एक थैली में रुपये एक 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4:8 है। यदि इस थैली में कुल धन रुपये 116 हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? आपको यहाँ पे बताना है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन में हमें सबसे पहले दिया क्या हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे मालूम है कि थैली में कुल कितना धन है, 116 रुपये है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, दिया है थैले में कुल धन कितना आपका दिया है, 116 रुपये दिया है, ये आपको मालूम है। अब इस क्वेश्चन की ट्रिक सुन लीजिए, हमें यहाँ पे करना क्या है, जहाँ जहाँ पे आपका रुपए में दिया है उसको हमें चेंज करना होगा पैसे में। सबसे पहला स्टेप हमारा यही होगा, जहाँ पे रुपए है उसको चेंज कर देंगे हम पैसे में, फिर बड़े आसानी से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका 116 रुपये दिया है इसको हम चेंज करेंगे पैसे में। कैसे चेंज करेंगे, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 1 रुपये बराबर आपका कितने पैसे होता है, 100 पैसे ही तो होता है। 1 रुपये बराबर आपका 100 पैसे होता है, तो 116 रुपये बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो 116 में आप क्या कीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये चेंज हो जाएगा पैसे में। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 11,600 यानी 11,600 पैसे, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा 11,600 पैसे। यहाँ पे ये आपका चेंज हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने नीचे यही किया है, 116 रुपये को चेंज किया, हमें मिला 11,600 पैसे, ये हमने चेंज कर लिया। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन में आगे पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा है कि रुपये एक, अब जो रुपये एक आपका दिया इसको भी हमें पैसे में चेंज करना है, तो 1 रुपये में आपके 100 पैसे होते हैं, तो ये तो बड़ी आसानी से आपका चेंज हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात आपको दिया है 3:4:8। तो चलिए इसको मैं नीचे सबसे पहले लिख देता हूं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यही मैंने यहां पे किया है कि 1 रुपये अभी इसको हम नीचे चेंज कर देंगे 100 पैसे में। ठीक है, अभी यहां पे चेंज नहीं किया हुआ है, तो 1 रुपये 50 पैसे व 100 पैसे के सिक्कों का अनुपात यानी रेशियो आपको कितना दिया है, 3:4:8। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब अगले स्टेप को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, जो आपके यहाँ पे रुपए और पैसे दिए हैं उनको लिखेंगे एक तरफ यहाँ पे। ठीक है, फिर जो आपका रेशियो दिया है उसको लिखेंगे इसी के नीचे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका 1 रुपये दिया है इसको हम चेंज करेंगे पैसे में, तो 100 पैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे 100 मैंने लिख दिया। फिर 50 पैसे ये तो आपका पैसे में है, तो यहाँ पे 50 लिख दिया, और 10 पैसा ये भी आपका पैसे में है, तो यहाँ पे 10 लिख दिया। ठीक है, अब इनका रेशियो कितना दिया है, 3:4:8 यानी 1 रुपये यानी 100 पैसे का कितना दिया, 3, तो इसके नीचे 3 लिख दिया। 50 पैसे का 4, तो यहाँ पे इसके नीचे 4 लिख दिया इसका रेशियो। फिर 10 पैसे का आपका कितना दिया हुआ है, 8 दिया है, 8, इसके नीचे 8 लिख दिया। तो ये हमने कर लिया, इस स्टेप को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने एक तरफ यहाँ पे पैसे वाला लिख लिया और इनका रेशियो नीचे लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी हम मल्टीप्लाई करवा देंगे सीधे सीधे यहाँ पे। तो 100 की मल्टीप्लाई 3 में 300 आपका, 50 की मल्टीप्लाई 4 में होगी कितना हो जाएगा 200, और 10 की 8 में होगी तो ये क्या हो जाएगा 80 यानी 10 × 8 आपका कितना होता है 80 ही तो होता है, तो यहाँ पे 80 लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसके बाद हमें क्या करना, 300 + 200 + 80 इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे ऐड किया, तो ऐड करने पे हमें क्या मिला, 580, 300 + 200 = 500 हो गया, और 500 में 80 को ऐड किया तो ये आपका हो गया 580। ठीक है, ये 580 हो गया। फिर इसके बाद देखिए अगला स्टेप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, 580 यहाँ तक हमारा हो गया। तो जो हमने यहाँ पे थैले में कुल धन आपका दिया हुआ था, जो थैली में 116 रुपये था, 116 रुपये को पैसे में चेंज किया था तो 11,600 पैसे मिला था। अब इसका यूज़ हम यहाँ पे करेंगे, तो जो हमारा यहाँ पे 580 आया है और जो 11,600 पैसे था ये थैली में कुल धन था, जो कुल धन था उसको मैंने लिखा ऊपर यानी 11,600 पैसे, और जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था रेशियो वाला पूरा, यहाँ पे हमारा 580 आया था, इसी 580 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे।
देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, तो इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे 58 होता है और 58 दूनी आपका कितना होता है 116, लेकिन एक जीरो यहाँ पे बच रहा है तो ये जीरो भी आपका आ जाएगा। तो हमें क्या मिला, यहाँ पे 20 मिल चुका है। ठीक है, अब ये जो 20 मिला है, अब इसकी सहायता से हम बड़े आसानी से क्या कर लेंगे, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इतना सॉल्व करने पर हमें 20 मिला। अब 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, तो इसकी संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो 10 पैसे के सिक्के थे इनका रेशियो कितना दिया हुआ था, 8 दिया हुआ था। रेशियो कितना था, 8 दिया हुआ था। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये 10 पैसे और इसका रेशियो सबसे आखिरी में यहाँ पे आपका 8 दिया हुआ है, तो यही हमें यहाँ पे करना है। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या आपकी क्या हो जाएगी, जो हमने यहाँ पे 20 निकाला इसको लेंगे, और जो आपके 10 पैसों के सिक्कों का यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं अनुपात था 8 था, इसी से इसमें मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी 20 × 8 हो जाएगा और 20 × 8 आपका कितना होता है, 160 होता है। यही आपका इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कितनी आसानी से हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। तो चलिए देखते हैं 160 आपका ऑप्शन में दिया कहाँ हुआ है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन डी में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 160 ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी, 160 थी। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, काफ़ी ईजी था, बस आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पे आपका दिया है 21, 38, 55, 106, प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो, ये आपको यहाँ पे बताना कि क्या घटाया जाए। तो सबसे पहले आपको दिया क्या है, ये आपको यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं 21, 38, 55, 106 ये दिया, इसको मैंने लिख दिया, फिर इसको मैंने क्या किया रेशियो के फॉर्म में लिखा, तो 21:38 फिर यहाँ पे समानुपात का साइन लगाया, फिर उसके बाद 55:106 लिख दिया। सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, माना घटाई जाने वाली संख्या आपकी क्या है, x है, क्योंकि संख्या तो हमें मालूम नहीं है तो हमने इसको x मान लिया। तो अब क्या करेंगे, इसमें से हम x को घटा देंगे, यानी जो हमने यहाँ पे रेशियो के फॉर्म में लिखा, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से हम x को लेस करेंगे। तो 21 माइनस एक्स, क्योंकि संख्या जो हम घटा रहे हैं वो x है, तो 21 माइनस एक्स यहाँ पे लिखा, रेशियो का साइन ऐसे ही रहेगा। फिर 38 में से एक्स को लेस करेंगे, 38 माइनस एक्स हुआ समानुपात का साइन। 55 में से एक्स को, 55 माइनस एक्स, रेशियो का साइन। फिर 106 में से एक्स को लेस करेंगे, ये मैंने कर दिया। फिर उसके बाद अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो रेशियो का साइन इसको हटा देंगे, और जो आपका यहाँ पे समानुपात ये भी, इसको भी हम हटा देंगे। ठीक है, इसको हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 21 माइनस एक्स, रेशियो हटा अपॉन में आपका 38, अब माइनस एक्स हो गया। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, फिर इज इक्वल टू 55 माइनस एक्स, रेशियो हटा, फिर अपॉन में आपका 106 माइनस एक्स, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे, यानी त्रिया गुणा करवाएंगे। तो त्रिया गुणा करवाएंगे तो क्या होगा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं 106 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई 21 माइनस एक्स में होगी, ये लिखा, इज इक्वल टू 38 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ पे 55 माइनस एक्स में होगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इस स्टेप को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, 106 की मल्टीप्लाई 21 में करवाएंगे, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 2226, ये हमें मिल गया। फिर उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा हमारा, यहाँ पे इस एक्स की मल्टीप्लाई कराएंगे 21 में, तो 21x आपका हो गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे माइनस ही लगेगा, 106 की मल्टीप्लाई एक्स में, तो 106x हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, ये माइनस एक्स है और ये माइनस एक्स, जब इनकी मल्टीप्लाई होगी, यानी माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स होगा, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा आपका ना, और फिर जब प्लस हो जाएगा तो 2x यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो गया, ये हमने किया। ठीक है, और सेम यहाँ पे हमने किया, इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 2090, फिर माइनस 55x, फिर माइनस 38x, फिर यहाँ पे x से x की करवाया गया, तो यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर आपका आ गया। ठीक है, अब आते हैं अगले स्टेप में। तो यहाँ पे 2226 आपका है, ये ऐसे ही रहेगा, और ये माइनस मिलके आपका प्लस हो जाएगा, तो 106x और प्लस 21x आपका
यहाँ पे 127 एक्स हो जाएगा और माइनस तो आपका लगा ही रहेगा, ठीक है। अब जो आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये दिया, इसको हम पक्षांतर कर देंगे इस वाले एक्स स्क्वायर के पास, तो ये यहाँ पे प्लस में था और यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है ही यहाँ पे आपका ये प्लस वाला, और फिर जब ये इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, यानी ये हमारा खत्म हो चुका है। एक्स स्क्वायर क्या हो गया, ये हमारा कैंसल आउट हो चुका। कैसे हुआ, इसको मैंने इधर पक्षांतर किया, ये प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया, ये प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। अब इस वाले को देखिए, यहाँ पे हमारा क्या बचा, 2090 ऐसे लिखा, फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए ये माइनस 55x और माइनस 38, माइनस माइनस मिलके प्लस माइनस 93x, ये आपका हो गया। अब आते हैं अगले स्टेप में, तो अगले स्टेप में यहाँ पे देखिए, ये आपका 2226 दिया है, फिर माइनस 127x दिया है इज इक्वल टू आपका 2090 और माइनस 93x। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमें यहाँ पे 34x इज इक्वल टू 136 मिलेगा, और फिर जब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू आपका 136 और अपॉन में आपका या क्या हो जाएगा, आपका 34 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी, तो यही आपका इसमें आंसर हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आपका क्या आया, यहाँ पे 4 आ गया। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, 4 आपका कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में यानी यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2013 में आपका पूछा जा चुका है। क्या दिया है यहाँ पे कि एक्स और वाई की आय का अनुपात 8:7 तथा व्यय का अनुपात 19:16 है, यदि प्रत्येक रुपये 1250 यानी 1250 की बचत करते हैं यानी करता है तो उनकी आय है, यहाँ पे हमें उनकी आय बतानी है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई हैं, तो जो जो चीज़ें हमें यहाँ पे दी हुई सबसे पहले उसको हम नीचे नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए कि एक्स और वाई की आय का अनुपात 8:7 दिया है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि माना एक्स और वाई की आय क्रमशः 8m और रुपये 7m है। अब मैंने यहाँ पे m क्यों माना, इसका रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे x और y पहले ही दिया है, अगर मैं यहाँ पे 8x 7x मानता तो कन्फ्यूज़न आपको हो जाती, इसीलिए तो यहाँ पे 8:7 दिया हुआ था। तो x की आय हमने क्या मानी है, 8m मानी, और y की आय हमने यहाँ पे 7m मानी हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए व्यय का अनुपात हमें कितना दिया हुआ है, 19:16 दिया है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे माना तथा उनके व्यय क्रमशः 19, अब यहाँ पे n माना हुआ है, m के बाद n यहाँ पे माना ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, तो यहाँ पे जो 19n है ये x का हो जाएगा और जो 16n है ये आपका y का हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे मान लिया कि उनके व्यय क्रमशः क्या है, 19n और 16n है, ये कर लिया, ठीक है। अब प्रश्नानुसार आ जाते हैं, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। प्रत्येक की बचत 1250 रुपये है, दोनों की है, x और y दोनों की बचत क्या है, 1250 रुपये सेम है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, तो ये देखिए हमने x का क्या माना हुआ है, x की आय 8m है, तो यहाँ पे 8m लिख दिया, ठीक है, 8m लिख दिया, और व्यय कितना कर रहा है, 19, यानी माइनस 19, क्योंकि खर्चा कर रहा है इसीलिए यहाँ पे माइनस लगाया, फिर इज इक्वल टू 1215 लिखा, यानी 1250, क्यों लिखा, क्योंकि बचत उसकी ये है, ठीक है, ये लिख दिया। अब लिखेंगे दूसरे वाले के लिए, y के लिए, तो y का देखिए y की आय हमने क्या मानी है, y की आय हमने 7m ली है, तो 7m लिखा, और व्यय कितना करता है, 16n यानी माइनस 16n कर दिया, इज इक्वल टू बचत कितनी करता है, 1250 रुपए की, ये हमने कर लिया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। लेकिन अभी यहाँ पे हमें एक काम और करना है, क्या करेंगे, ए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पक्ष को यहाँ पे बराबर करने की कोशिश करेंगे जो कि हमारा कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समीकरण एक में हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और समीकरण दो में किससे करेंगे, समीकरण दो में हम करेंगे 19 से, सबसे पहला काम हमारा यही होगा। तो जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों जो आपका दिया है 19s और 19
एन आपका दिया है और 16 एन दिया है, ये दोनों आपके बराबर हो जाएंगे और कैंसल आउट हो जाएंगे। अभी आगे स्टेप में जब सॉल्व करूंगा आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे समीकरण एक में किससे मल्टीप्लाई करनी है, समीकरण एक में 16 से और दो में आपको 19 से, ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद गुणा करने के बाद हम घटाएंगे, इसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे, ये ध्यान रखिएगा, क्या कर देंगे हम यहाँ पे घटा देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। पहले में हमने किससे किया था, 16 से किया था, तो 16 से 8 में करेंगे तो 16 आठ 128 यानी 128 एम हो जाएगा, माइनस 19 इंटू 16 करेंगे 304 एन हो जाएगा, इज इक्वल टू 1250 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, जैसा कि आप देख सकते हैं 20,000 हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए इक्वेशन नंबर टू में हमने 19 से मल्टीप्लाई किया है तो 19 सत्ते आपका 133 यहाँ पे एम, फिर माइनस 16 की मल्टीप्लाई 19 में 304 एन, देखिए ये दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ, बराबर हुआ। अब जब हम घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा सीधे सीधे। फिर उसके बाद 1250 की मल्टीप्लाई कराएंगे 19 में तो ये आपका क्या हो गया, 23,750 हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटा रहे हैं, ध्यान रखिएगा समीकरण एक में से समीकरण दो को घटा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हम घटाना स्टार्ट करते हैं, तो ये माइनस ये प्लस, ये माइनस आपका हो गया। अब चलिए यहाँ पे देखिए, तो 128 में से 133 को लेस करेंगे, यहाँ पे 128 छोटी है, एक छोटी संख्या और बड़ी संख्या 133 है, तो माइनस में आएगा ही आएगा, यानी माइनस 5 एम आएगा ये, तो कैंसिल हो गया सीधे सीधे आपका, इसीलिए तो हमने ऊपर मल्टीप्लाई करवाई थी ताकि ये कैंसिल हो जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 20,000 में से इसको हम यहाँ पे लेस करने जा रहे हैं, 23,750 को, बड़ी संख्या नीचे ऊपर छोटी संख्या, क्योंकि हम एक में से दो को घटा रहे हैं समीकरण एक में से दो को, तो यहाँ पे ये माइनस में आ जाएगा, यानी माइनस आपका 3,750। अब ये माइनस और ये माइनस मिल गया आपका प्लस हो जाएगा सबसे पहली बात, तो यहाँ पे m is equal to आपका क्या हो जाएगा 3,750 और अपॉन में 5, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपको मिला 750 रुपए m की वैल्यू, m की वैल्यू हमें m is equal to क्या मिल चुका है, 750 मिल चुका है। तो अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, कि जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा है, तो उनकी आय है यानी एक्स और वाई की आय हमसे यहाँ पे पूछा हुआ है, तो चलिए इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो अतः x की आय क्या हो जाएगी, हमने 8m मानी है ना, x की 8m मानी है और m की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 750, तो 8 गुणे 750 कर दीजिए जो कि आपका आएगा 6000 आएगा, तो ये किसकी हो गई, x की आय। फिर इसके बाद y की आय आपकी क्या हो जाएगी, तो y की आय हमने 7m मानी हुई है, तो 7 इंटू आपका 750 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 5250 यानी 5250 रुपए। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 6000 और 5250 कहाँ दिया हुआ है, तो 6000 और 5250 आपका दिया है ऑप्शन ए में, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसको सॉल्व करने का यही तरीका है, ये एकदम पक्का तरीका है, इससे आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा, लेकिन इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको 3 से 4 बार करनी होगी, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया है कि यदि x अपॉन y इज इक्वल टू 3/4 है तो 2x प्लस 3y और 3y माइनस 2x का अनुपात हमें यहाँ पे बताना है, रेशियो कितना होगा। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है, हमें यहाँ पे पता है, दिया है हमें x अपॉन y इज इक्वल टू 3/4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x रेशियो y इज इक्वल टू 3:4 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 4, कैसे, क्योंकि x की जगह 3 और y की जगह 4, ये मैं लिख सकता हूँ, तो मैंने यही यहाँ पे किया है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे दिया है 2x प्लस 3y और 3y माइनस 2x का अनुपात है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 2x प्लस 3y रेशियो लगाया, फिर उसके बाद 3y माइनस 2x का अनुपात हमसे यहाँ पे पूछा हुआ है। अब क्या करेंगे, जब इस रेशियो को हम यहाँ से हटाएंगे तो 2x प्लस 3y और अपॉन में आपका ये आ जाएगा 3y माइनस 2x, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो x और y यहाँ पे दिया है आपका, x की जगह 3 और y की जगह 4 लिख देंगे, अभी ऊपर ही हमने एक क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया है, तो कुछ नहीं करना है, x की जगह 3 रखेंगे और y की जगह 4, तो 2x यानी 2 इंटू 3 प्लस 3y 3 इंटू y की जगह 4 रख दिया, फिर नीचे 3y यानी 3 इंटू 4, फिर माइनस 2x यानी 2 इंटू 3 कर देंगे, x की जगह 3 आपका है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 3 आपका 6 होता है और 4 3 12 होता है, ठीक है, 2 3 आपका 6 और प्लस 4 3 12, और 12 और 6 आपका कितना हो जाएगा 18, यही मैंने लिखा। फिर इसके बाद नीचे आइए, 4 3 आपका 12 होता है, 4 3 12 होता है,
और 3 2 6 यानी 12 में से 6 को हमें लेस करना, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 6 1 6 3 18 मिला क्या हमें 3/1, इसको मैं रेशियो में लिख सकता हूँ 3:1, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 3:1 आपका कहाँ पे दिया है, तो ये दिया है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3:1 ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका लिखा है कि पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, ये वर्तमान का दिया है, प्रेजेंट का दिया है। फिर इसके बाद 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:3 होगा। क्या लिखा है कि 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 यानी 3:4 होगा, तो पुनीत की वर्तमान आयु कितनी है, हमें यहाँ पे पुनीत की प्रेजेंट एज ज्ञात करनी है, वर्तमान आयु क्या होगी। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 दिया है, तो माना पुनीत की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 2x वर्ष, ये मैंने लिख दिया, रेशियो जो आपका दिया इसी के अकॉर्डिंग मानेंगे, और अप्पू की वर्तमान आयु 3x वर्ष, ये मैंने कर दिया। अब इसके बाद आइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:4, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, तो 3 वर्ष बाद सबसे पहले हम लिखेंगे पुनीत की आयु, तो 2x ये वर्तमान मानी है और प्लस 3 वर्ष बाद आपका हो रहा है ना, तो 2x+3 कर दिया, क्यों किया, क्योंकि 3 वर्ष बाद, और अप्पू की वर्तमान आयु 3x थी, अब 3 वर्ष बाद क्या होगा, तो 3x वर्तमान आयु, अब 3 वर्ष बाद यहाँ पे +3 कर दिया, और फिर उसके बाद रेशियो कितना हो जा रहा है, 3:4 यहाँ पे देख सकते हैं, तो इसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया 3/4, ये आपका हो जा रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे बस, यानी 4 की मल्टीप्लाई इसमें 2x+3 में और 3 की यहाँ पे 3x+3 में कर देंगे, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं यही मैंने किया हुआ है, तो 4 की मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे, तो 4 2 8x आपका हो जाएगा, 4 3 12 इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई 3 3 9x प्लस, तो उसके बाद यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई 3 में 3 3 9, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 12 को ऐसे रहने दीजिए, 9 प्लस में इधर ले आएंगे तो 12 में से 9 हो जाएगा, और 9x यहाँ पे 8x प्लस में इधर लाएंगे, माइनस लेस हो जाएगा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं 12 में से 9 को लेस करूंगा तो हमें 3 मिलेगा यानी, और 9x में से 8x यानी x इज इक्वल टू हमें यहाँ पे 3 मिल गया। जब x की वैल्यू हमें मिल चुकी है, अब हमें आंसर भी मिल जाएगा। तो मैंने पुनीत की वर्तमान आयु क्या मानी हुई है, 2x वर्ष, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब इसी में x की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो अतः पुनीत की वर्तमान आयु 2x है, तो 2 और x की जगह 3 यानी 6 वर्ष, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में चेक कीजिए 6 वर्ष आपका कहाँ दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 सेम ऐसा क्वेश्चन कल मैंने आपको कराया था, लेकिन वहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू पूछा हुआ था, लेकिन यहाँ पे सी रेशियो ए की वैल्यू पूछा है। क्वेश्चन क्या दिया है, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 2, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 4:5 हो, तो C:A का मान कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सारी वैल्यूज लिख ली, A:B बराबर आपको दिया है 2:3, B:C=4:5 और C:A की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। इसके लिए हमारा फॉर्मूला ट्रिक क्या होती, कल मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम A:B लिखते हैं फिर B:C, तो सबसे पहले A की मल्टीप्लाई B में करवाते हैं, फिर इस B की मल्टीप्लाई B में, फिर B की मल्टीप्लाई C में करवाते हैं। तो A:B की वैल्यू आपको कितनी दी है, 2:3 यहाँ पे रख दिया, फिर उसके बाद B:C की 4:5 ये मैंने कर दिया। अब इसी रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले 2 की मल्टीप्लाई 4 में 8 हो जाएगा, अब इस 4 की 3 में, 4 3 12, फिर रेशियो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 में, तो 3 5 15 आपका हो गया, ये रेशियो हमें मिल गया, यानी A:B:C की वैल्यू हमें मिली 8:12:15, ये हमें मिल चुका है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, C:A की वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पे देखिए C की क्या आ रही है, C की 15 है, C की जगह 15 और A की कितनी है 8 है, तो 8 लिख देंगे बस, यही आपका हो गया C:A=15:8, यही आपका इसमें आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक कीजिए 15:8 आपका कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, यहाँ है कि 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दी जाए, यानी 2 जोड़ दिया जाए, सीधे सीधे यहाँ पे लिखा है 2 की वृद्धि कर दी जाए, तो यह अनुपात 7:9 हो जाता है, संख्याएं ज्ञात कीजिए, हमें यहाँ पे संख्या निकाल ली है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे दिया 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे संख्याएं मान लेते हैं,
ज़्यादा संख्याएं 3:4 के अनुपात में, तो 3x व 4x है। ठीक है, संख्याएं क्या मान ली हमने रेशियो के अकॉर्डिंग, 3x व 4x है। फिर उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाते हैं, प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दी जाए यानी 2 जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पे हमने संख्याएं 3x और 4x मानी है, तो 3x प्लस 2 2 जोड़ दे रहे ना, क्योंकि 2 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो 2 यहाँ पे चलिए जोड़ देते, 3x प्लस 2 और बॉन्ड में 4x प्लस 2 कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद आपका रेशियो क्या हो जा रहा है, 7:9 जिसको हम लिख सकते हैं 7:9, तो इज इक्वल टू 7:9 मैंने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाना है बस, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, 9 की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी 3x प्लस 2 में, 7 की 4x प्लस 2 में, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहीं पे लिखा हुआ है 9 की मल्टीप्लाई इसमें, 7 किस में, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर भैया, 9 3 आपका कितना होता है, 9 3 27x हो जाएगा, 9 2 18 आपका हो जाएगा, इज इक्वल टू 7 4 28x और प्लस 7 2 14, ये आपका हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें पक्षांतर करना है, 18 आपका यहाँ पे इसको ऐसे रहने दीजिए, और यहाँ पे प्लस 14 है इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 18 में से यहाँ पे 14 को हम लेस कर देंगे 18 में से, इज इक्वल टू यहाँ पे 28x है, जैसा कि आप देख सकते हैं, आप 27x को इधर भेजेंगे प्लस में, इधर आके लेस हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 28x में से 27x को लेस करेंगे x, और 18 में से यहाँ पे 14 यानी 18 में से 14 को लेस करेंगे तो 4 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4, ये हमें मिल गया। अब जो संख्याएं हमने मानी है वहाँ पे x की वैल्यू को रख देते हैं, 3x 4x दिया है, यहाँ पे x की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं संख्याएं 3x, तो 3x की वैल्यू 4 यानी 12 ये हो गया, फिर 4x माना है तो 4x की वैल्यू आपकी 4 यहाँ पे 16 यानी 12 और 16 ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 12 और 16 दिया कहा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए आपको केवल एक ही संख्या जो कि 16 दी है, 12 तो आपको ऑप्शन में दिया ही नहीं है, यानी दो संख्याओं में से एक संख्या ही आपको यहाँ पे ऑप्शन में दी है, तो जो एक संख्या दी है उसी के अकॉर्डिंग हम अपना आंसर कर देंगे, 16 हमारा है तो 16 यहाँ पे ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, या फिर आपको ऑप्शन में 16 और 12 दोनों लिखा हुआ मिल सकता है तो आप उस पर टिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ही दिया है जो कि हमारा 16 है, तो यही 16 हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ पाए होंगे, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, यहां पे आपसे पूछा है संख्या 16 व 4 का मध्य समानुपाती क्या होगा, टोटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मध्य समानुपाती का सूत्र आपका होता है x इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, कल ही मैंने आपको बताया था, कल ही मैंने आपको ऐसा एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था, तो यहां पे अंडर रूट ए बी हो गया, ए इज इक्वल टू आपका यहां पे 16 और बी इज इक्वल टू आपका 4 जो कि आपके क्वेश्चन में ही दिया है, तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दीजिए, ए की जगह 16 लिखा, बी की जगह 4 लिखा, अंडर रूट लगा दिया, अंडर रूट लगाया, फिर इसके बाद 16 × 4 आपका कितना होता है, 64 होता है, अंडर रूट लगा रहेगा। अब 64 इसको सॉल्व कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 8 का ही तो होता है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 8 यही आपका इसमें आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला याद है तो मात्र 10 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, अगर नहीं याद है तो फिर नहीं कर पाएंगे, तो फॉर्मूला इसका याद कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आपका 8 ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में देखिए ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज की इस वीडियो हमने इस चैप्टर के टोटल 16 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब मैं इस चैप्टर की एक वीडियो और बनाऊंगा जो कि आपका नेक्स्ट पार्ट होगा, और नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीटली फिनिश। ठीक है, मैं आपको इस चैप्टर में हर एक टाइप का एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, हाई लेवल से लेकर लो लेवल तक हमने सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सभी क्वेश्चन सॉल्व कर भी रहे हैं, हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर भी रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आज की वीडियो में आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टोटल इस चैप्टर में 16 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका ये चैप्टर कंप्लीटली फिनिश करवा दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।